हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का जैव अणु का, केमिस्ट्री का, बायोमोलेक्यूल्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था। आज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा चैप्टर है, यानी दूसरा जैव अणु बायोमोलेक्यूल्स का दूसरा क्लास, यानी चैप्टर ऑर्गेनिक में दूसरा चल रहा है ना। आपका पहला चैप्टर पढ़ाए थे बहुलक, दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे जैव अणु, इसके बाद हेलो एल्कीन एवं हेलोरीन पढ़ाएंगे। तो अभी देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्लास है आपका जैव अणु का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा, सब एक बात ध्यान रखिए, आपसे हमेशा बोलते हैं, आगे बोलेंगे और बोलते रहेंगे कि बीसी से एग्जाम निकालना है दोस्त। तो जितना ऑब्जेक्टिव बताते ना, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की जितना बताते हैं सब लिख लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी आप सब बात नहीं समझते, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, बशर्ते आप वीडियो पूरा देखिए और एक एक क्वेश्चन कॉपी में लिखते जाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि संपूर्ण नाभिकीय अम्ल का अवयव होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए ना, तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में घंटी के बटन को भी दबा देना, जिससे हमारा अगला वीडियो जब भी आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। संपूर्ण नाभिकीय अम्ल का अवयव होता है, यानी जितने भी नाभिकीय अम्ल हैं उन सब का जो अवयव होता है वो क्या क्या होता है। तो वो होता है हेक्सजोन एवं क्षारक, हेक्सजोन एवं क्षारक एवं फास्फोरिक अम्ल होता है। उसके बाद दूसरा कि वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन है। वसा मतलब समझते हैं फैट, वसा चर्बी जिसको बोलते हैं। तो वसा के साथ आंत, आंत मतलब समझते हैं आहार नल। हमारे शरीर में दो आंत है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत। तो आंत की बात कर रही है कि आंत क्या बात कर रहा है, आंत के। तो वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन, किसके बारे में, विटामिन के बारे में बोल रहा है, आंत में अवशोषित होता है। तो कौन सा विटामिन होगा, तो विटामिन ए और डी होता है। उसके बाद है कि कौन सा अंग फाइट तथा फाइटर, कौन सा अंग हमारे शरीर का यानी मानव के शरीर का, कौन सा अंग फाइट तथा फाइटर, फाइट तथा फ्लाइट अंग होता है, फाइटर भी इसी को बोला गया। देखिए, कहीं कहीं पे ध्यान रखिएगा कि आपके किसी किसी बुक में एक बार 2000 लिख लीजिएगा इसको, 2016 में पूछा गया था बीसी एग्जाम में, लिख लीजिएगा इसको ये क्वेश्चन को कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फ्लाइट लिखा हुआ है ना, लेकिन क्वेश्चन में दिया था कि कौन सा अंग फाइट तथा फाइटर अंग होता है, फाइटर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं फ्लाइट। तो ध्यान रखिएगा, फ्लाइट चाहे फाइटर दोनों एक ही चीज होता है, फाइटर दोनों का कभी ही दे सकता है कभी लिख दे सकता है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। तो कह रहा है कि कौन सा अंग फाइट तथा फ्लाइट अंग होता है, तो वो होता है एड्रेनल। उसके बाद है कि प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल मानव शरीर संश्लेषित करता है, यानी कह रहा है कि हमारे शरीर में प्रोटीन है और उस प्रोटीन में अमीनो अम्ल भी पाया जाता है, तो मानव शरीर कितना अमीनो अम्ल को अवशोषित करता, अब्जॉर्ब करता है, तो वो करता है 10 अमीनो एसिड, यानी 10 अमीनो अम्ल का। उसके बाद है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण यानी एटीपी से कुल अणु प्राप्त होते हैं, यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण क्रिया किया जाता है जब एटीपी का चक्र चलता है, तो कितने अणु प्राप्त होता है, यानी कुल कितना अणु प्राप्त होता है, तो वो होता है टोटल 38 अणु। उसके बाद है कि विटामिन ए, बोल रहा है कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है, यानी विटामिन ए सबसे ज्यादा किससे मिलता है, तो वो मिलता है आपको दूध तथा गाजर से, इसलिए गाजर ज्यादा खाना चाहिए और दूध ज्यादा पीना चाहिए, इसलिए कि विटामिन ए की कमी नहीं होगा शरीर में। उसके बाद है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है आपका बेरी बेरी रोग होता है। उसके बाद है कि साइनोकोबाल्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइनोकोबाल्ट एमीन, क्या यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है,
साइनो कोवाल्ट एमीन की नाम दिया गया, यानी साइनो कोवाल्ट एमीन को नाम क्या दिया गया, कौन सा नाम दिया गया? तो उसको नाम दिया गया विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 यानी विटामिन बी 12। उसके बाद एक ग्लूकोज का एथेनॉल, ग्लूकोज का एथेनॉल, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। तो ग्लूकोज का एथेनॉल C2H5OH में परिवर्तन किस पदार्थ के द्वारा होता है? तो ग्लूकोज में एथेनॉल का जो परिवर्तन होता है, यानी समझिएगा इसको बढ़िया से, कह रहा है कि ग्लूकोज जो है एथेनॉल में कब परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन होता है तो किस पदार्थ के द्वारा होता है? तो यह होता है एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। उसके बाद बोल रहा है कि उदासीन अमीनो अम्ल, क्या बोल रहा है? उदासीन अमीनो अम्ल का उदाहरण है, इनमें से देखिए चार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन ग्लाइसिन, दूसरा एस्पार्टिक अम्ल, तीसरा ग्लूटामिक अम्ल और चौथा हिस्टेडिन। यानी इन चारों ऑप्शन में बोल रहा है कि उदासीन अमीनो अम्ल का कौन उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन। क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद है कि अम्लीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है, उदासीन को तो देख लिए, अब अम्लीय अमीनो अम्ल का उदाहरण है, यानी अम्लीय कौन है? तो चार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है ग्लूटामिक एसिड, दूसरा हिस्टेडिन, चौथा फेनिलल एलेनिन, क्या फेनिल, इसको तो हम बढ़िया से पढ़ना है, फेनिल एलेनिन टायरो, इसको जानते हैं क्या होता है ना, कि अम्लीय में बहुत ज्यादा लोग यही मारते हैं कि फेनिल मतलब समझ लेते हैं फेनाइल, और फेनिल करके मार देते हैं कि अच्छा अम्लीय है, चल ठीक है, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद चौथा है टायरोसिन। तो देखिए अम्लीय अमीनो अम्ल इसमें हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन ग्लूटामिक एसिड। उसके बाद है कि प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद होता है, जब प्रोटीन विघटन होता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में कौन बचता है? तो बचता है अमीनो अम्ल बचता है। उसके बाद है कि स्टार्च या सेलुलोज, कोई एक की बात कर रहा है कि स्टार्च या सेलुलोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, यानी स्टार्च को जल अपघटन कीजिए या सेलुलोज को, दोनों तो एक ही है ना, स्टार्च या सेलुलोज को जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो क्या होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। चाहे स्टार्च को गर्म जल अपघटन कर लो या सेलुलोज को, दोनों से तो एक ही होगा, ग्लूकोज निकलता है। कौन निकलता है? ग्लूकोज। उसके बाद है उपाचयन, उपाचयन की क्रिया दो मुख्य भाग होते हैं, उपाचयन की क्रिया के लिए मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो दो होते हैं कैटाबोलिज्म तथा दूसरा एनाबोलिज्म होता है। उसके बाद कि प्रोटीन के जल अपघटन से बनता है, जब प्रोटीन जल अपघटन होते, यहां पे बोल रहा था कि प्रोटीन विघटन होता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में अमीनो अम्ल बचता है, और जब प्रोटीन के जल अपघटन होता है तो क्या बनता है? तो बनता है प्रोटीएज, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स बनता है। यही प्रोटीएज जो है ना, यही प्रोटीएज जब विघटित होता है तब अंतिम उत्पाद के रूप में एमिनो अम्ल बचता है। उसके बाद है कि लार में मिलने वाला एंजाइम होता है, मानव शरीर में जो जीभ है, मुंह है, उसमें जो लार पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वही बोला गया कि लार में मिलने वाला एंजाइम होता है, तो होता है कौन? टाइलिन होता है। उसके बाद है कि दूध में मिलने वाला प्रोटीन होता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो पाया जाता है केसीन। सब लिखते जाइएगा, एक भी मत छोड़िएगा, क्योंकि जितना बता देंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उसके बाद है कि शर्करा के जल अपघटन, शर्करा मतलब समझते हैं चीनी, शर्करा के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज प्राप्त होता है,
और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। यानी जब शर्करा को जल अपघटित कीजिएगा ना, तब ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा। उसके बाद बोल रहा कि केन शुगर का समान सूत्र होता है। केन शुगर का समान सूत्र होता है, क्या होता है? तो केन शुगर का समान सूत्र होता है C12H22O11। याद रखिएगा C12H22O11। उसके बाद है कि इंसुलिन हार्मोन का मुख्य भाग बना होता है। इंसुलिन हार्मोन आप सब जानते हैं, इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? उसका जो मेन पार्ट होता है, मेन भाग जो होता है, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है प्रोटीन द्वारा। किसका बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, यानी प्रोटीन के द्वारा बना होता है। उसके बाद ही नलिका विहीन ग्रंथियों डक्टलेस ग्लैंड द्वारा स्रावित पदार्थ कहलाता है। नलिका विहीन का मतलब होता है कि जिस ग्रंथि में कोई नली निकला हुआ ना हो, उसको बोलते हैं नलिका विहीन। और नलिका विहीन द्वारा स्रावित पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका हार्मोन। क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। उसके बाद है कि रक्त के तरल अवयव, रक्त जो आपका है उसमें तरल अवयव जो होता है प्लाज्मा, वो कितना परसेंट आपके ब्लड में प्लाज्मा होता है? तो कुल होता है आपका परसेंट 55% प्लाज्मा आपके रक्त में होता है, मानव के रक्त में। उसके बाद है कि कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा? तो वो किया जाता है पॉलिश परीक्षण द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पॉलिश परीक्षण के द्वारा। उसके बाद है कि नंबर, नेचर एवं क्रम की जानकारी प्रोटीन की कौन सी संरचना से ज्ञात होता? नंबर, नेचर और क्रम की जो जानकारी होती है ना, वो प्रोटीन की कौन सी संरचना से ज्ञात होता है? तो वो ज्ञात होता है प्राथमिक संरचना से ज्ञात होता है। उसके बाद है कि निम्न में से किस श्रेणी में उपापचयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होता है? निम्न में से किस श्रेणी में उपापचयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होता है? चार ऑप्शन दिया है, पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा और चौथा लिपिड। तो सर्वाधिक ऊर्जा जो मुक्त होता है ना, वो होता है लिपिड के द्वारा। किसके द्वारा? लिपिड द्वारा। उसके बाद है कि किसमें म्यूटा घूर्णन नहीं पाया जाता है? तो चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया सुक्रोज, दूसरा है डी ग्लूकोज और तीसरा है एल ग्लूकोज, चौथा कोनी। तो एल ग्लूकोज जो है और डी ग्लूकोज, इस दोनों में पाया जाता है। ये दोनों में क्या होता है? पाया जाता है। जबकि सुक्रोज में म्यूटा घूर्णन नहीं पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज, यानी सुक्रोज में नहीं पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका बायो मोलिकुल्स, जैव अणु का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगले वीडियो में आप लोग का होगा प्रीवियस ईयर्स का, यानी बायो मोलिकुल्स के चैप्टर का प्रीवियस ईयर 2000 से लेकर 2019 तक जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम बता देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और दोस्तों को बता दीजिएगा कि संडे को फिजिक्स का टेस्ट होने वाला BCC के लिए शाम 4 बजे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए।